Hi, this is Hassan Jahangir. You are watching Live Jam Session. Hello guys, once again welcome to Sayyid Imtiaz Live Jam Session, and we once again welcome you after a very long break. Kya khayal hai Imran? Yes, bilkul. Thank you very much. And aapko sabko assalamu alaikum. This is Ash Imran Sajan from Genius Records. Aur hum bahut arse ke baad ek saath mile hain. Khurram gaye hue the Dubai ek lambe tour pe. Main bhi do chaar logo ka tour karne gaya hua tha, shoot kar kar aaya hu. Wo bhi hum program bahut jaldi share karne wale hain. Aur aaj hamare saath ek bahut acche singer maujood hain, Khurram. Aur bahut acha gaate hain, badi variety hai inke paas. और बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी है, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आज हम इनकी सिर्फ सिंगिंग के हवाले से बात करेंगे, बाकी क्या ये करते हैं वो भी डिस्कवर करेंगे. तो हमारे साथ आज मौजूद हैं आसिम शहजाद. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आसिम भाई? ठीक है. ये हमारे खुर्रम भाई हैं, खुर्रम इम्तियाज, और लाइव जैम सेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं. क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. हमारे नाजिम उधर बैठे हैं जी. बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. और ये आपकी मोहब्बत है कि आज आपने मुझे बुलाया, आज आपने मुझे दावत दी. Good. और मुझे बहुत अच्छा लगा. बाकी चले वेरी गुड जी. खुर्रम, क्या आपका रहा, कैसा टूर रहा आपका? ज़बरदस्त. दुबई का अभी 2017 जैसे जैसे आ रहा था, करीब 2020 का आप सुन रहे होंगे दुबई का, तो वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और काफ़ी चेंज हो गया दुबई. लाइक इट जस्ट लाइक यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज लाइक. और वहाँ बहुत मज़ा आया. कुछ लाइव जैम सेशंस किए हैं हमने, वो अगले एपिसोड के अंदर अपलोड शेयर करेंगे. इसके अलावा आप बताइए आपका कैसे रहा? मैं तो एक कंट्री गया था, आप तो काफ़ी जगह घूम गया. जी जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रहा. मैं बहुत सारा शूट करके लाया हूँ, बहुत शूटिंग थी वहाँ पे. कुछ रेस्टोरेंट थे, गेस्ट हाउसेस थे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिनका मैंने कमर्शियल शूट करना था, गाने थे, डॉक्यूमेंट्री. okay. तो बहुत मज़ा आया. आप व्यूज़ देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा. कोशिश करेंगे कि मैं आज के इस प्रोग्राम में भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाएं, ताकि आपकी जो प्यास है, जो थर्स्ट है, वो थोड़ी सी पड़े और फिर अगले प्रोग्राम के आप इंतजार में. लेकिन आज हमारे साथ आसिम शहजाद मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं ये कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, सुनाइए कहाँ के. तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ. मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ. 1 2 3 तुम्हें क्या गम, चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ. मैं डूब तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ. है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ. चुपचाप सही मसलहतन, वक्त के हाथ
चाप से ही मसले हतन वक्त के हाथों मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ तो आसिम क्या आप आपने शहजादी का गाना गाया क्या प्लान है क्या सोच रहे हैं क्या करना है सर आगे बस मेहनत कोशिश कर रहे हैं बस लगे हुए हैं इसमें थोड़ी आपसे सीख रहे हैं कुछ आपके ऐसे ये चीज़ें सीख रहे हैं तो ये तो समंदर है बस सीखते रहेंगे भाई मैंने आपने काफ़ी सारे टी वी शोज भी किए थे जी जी तो क्या रिस्पॉन्स रहा आपको सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा काफ़ी अरसे बाद आपने सिंगिंग में आने का सोचा या फैसला किया गा तो आप काफ़ी अरसे से रहे जी जी बस थोड़ा सूफियत चल रही थी कुछ टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चले गुड हमारे व्यूअर समझ होंगे शायद आप जागे में आपकी आंखें रेड हो रही हैं तो हम ग्लासेस उतार देते हैं हमारी आंखें रेड नहीं है आप भी उतार दें तो खुर्रम क्या इनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप पूछिए आसिम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको आपके वोकल बहुत अच्छे हैं ठीक है और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इमरान जैसे सीनियर म्यूजिशियन के साथ आप आज जब काम कर रहे हैं तो काफ़ी सारे इनसे आपको हेल्प भी मिलेगी और आप अपने वोकल्स के ऊपर मतलब ट्रेनिंग ली आपने काफ़ी कहीं से सीखा है प्रॉपरली आप जी जी ये मैंने लाहौर से ट्रेनिंग ली है अच्छा और बाकी ये इमरान भाई की बहुत मोहब्बत है जी और इन्होंने आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो ये इनकी मोहब्बत की वजह से मेहनत है माशाल्लाह इनका टोन में ये क्वालिटी भी आप सुनेंगे देख रहे हो बिल्कुल और आपके भी गाने सुनेंगे और बड़े मुश्किल मुश्किल गाने गाते हैं बड़ी गुलाम लगी हौसले भी बड़ी अच्छी गाते हैं कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में आपको वो सुना पाएं तो अभी हंस बोल भी लें कुछ जी जी है ना साहिल पे तो आप चले गए थे अब थोड़ा सा हंस बोल लें और ऐसे रहें सामने ऐसे रहें हमारे व्यूअर्स इधर हैं चलें जी नाज़रीन हंसने बोलने की बात करते हैं और आसिम की ज़बानी आसिम शहजाद की ज़बानी सुनते हैं कि वो किस तरह हंस बोल रहे हैं खुर्रम ऐश इमरान आपके साथ कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे कदिते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे कदिते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे वो तेरे नाल लागे वो तेनू पले पागे वो तेरे नाल लागे वो तेनू पले पागे बैठी मैं अनभोल वे अज ते साड़ी रोल वे कदिते हस बोल वे अज ते साड़ी रोल वे वो देश पराया वो जाके बसाया वो देश पराया वो जाके बसाया बैठी मैं अनभोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे बैठी मैं अनभोल
जिंद साडी रोली रे तेरे नाल लागे ओ तेनू पल्ले पाके ओ तेरे नाल लागे ओ तेनू पल्ले पाके बजी मैं अनबोल वे ना जिंद छड़ी रोल वे कदते हस बोली रे ना जिंद छड़ी रोल वे वो देश पर जाके बसाया अजमयन बोल रे ना जिंद छड़ी रोल रे कदते हस बोल रे ना जिंद छड़ी रोल 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 रे वेरी गुड बहुत अच्छा आसिम माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने ये सुनाया हंस बोलने वाली बातें की और आजकल ज़रूरत है हमारे वतन को हमारे शहर को हमारे साथ के लोगों सबको हंसने बोलने की ज़रूरत है लोगों के कसूर और उनकी ख़ताओं को माफ़ करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो आगे चलते हैं आसिम आज आप मुझे कुछ थके थके लग रहे हैं ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे आपको मैंने टीवी शोज में भी रिकॉल हुआ है मेरा कि आप टीवी शोज भी किए हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा टीवी शोज का बहुत अच्छा रहा और मैंने अभी 3-4 चैनल्स पे किए हैं और अभी आगे भी तैयारी चल रही है वहाँ लाइव किया था इस तरह या रिकॉर्ड मतलब कुछ रिकॉर्डेड भी थे और लाइव भी थे कैसा लग रहा है यहाँ और वहाँ के मॉल में बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है चलें वेरी गुड अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका अपना देखिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा क्योंकि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यंग टैलेंट जो हमारे साथ हैं लड़का मेल फीमेल किसी सिंगर को भी गाते हैं लेकिन अच्छा गाते हैं सुर लय में गाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको यहाँ चांस दें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें और फिर उनको एक सजेशन दें कि उनको अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हमें चांस नहीं मिलता हमें मौका नहीं मिलता तो मौका हम दे रहे हैं उसके बाद प्रूफ उनको करना है लेकिन अभी हाँ सोचिए कि ये शो बिजनेस है जब आप इसमें अगर आप इस आस्ते में रहेंगे कोई दूसरा आपको आके आगे लेके जाए कोई दूसरा आपको आगे बढ़ाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा सफर 1 किलोमीटर का हो या 1000 किलोमीटर का हो वो शुरू पहले कदम से होता है वो कदम आपने खुद उठाना होता है तो वो आप उठाएंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर अता करेगा देगा लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत जरूरी है और मेहनत का सिले की उम्मीद ये मत रखें कि जी मैंने इतनी मेहनत कर ली मुझे इसका रिवॉर्ड नहीं मिला और मुझे जो ना अल्लाह ताला मुझे सिला नहीं दे रहा तो ऐसा मत सोचिए अल्लाह ताला हमें जब नहीं देता जब हम मांगते हैं भले लेकिन वो हमें जब जरूर देता है जब हमें उसकी वाकई जरूरत होती है वो हमें जब नहीं देता वो हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं लेकिन हमें वो जरूर देता है जिसकी हमें वाकई जरूरत होती है वो हमारी ताकत से ज्यादा हम पे बोझ नहीं डालता लेकिन हमारी औकात से ज्यादा हमें नेमतें जरूर देता है तो आप बस मेहनत करते रहिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुमसे मेहनत मांगी है नतीजा नहीं मांगा वो उसकी मर्जी है वो अपनी मर्जी से देगा लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे तो जरूर कामयाब होंगे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेहनत करते करते आप एक कदम के फासले पर होते हैं हिम्मत हार जाते हैं मायूस हो जाते हैं नाउम्मीद हो जाते हैं तो वो एक कदम के बाद आपकी मंजिल होती है और आप रिटर्न हो जाते हैं या घबरा जाते हैं या रुक जाते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए आप बढ़ते रहिए मेहनत कीजिए आपके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि आजकल बड़ा दौर है कव्वाली स्टाइल का क्लासिकल स्टाइल का तो आप ये कीजिए कि अपना
एल्बम ना कीजिए, चार पांच गाने कीजिए जरा क्लासिकल, नेम क्लासिकल लेके, और उसमें कुछ कव्वाली का अंग भी डालिए, और उसका जो मिक्सअप कीजिए आप, मैशअप कीजिए, वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कीजिए, मतलब गिटार और पियानो लेके, बेस लेके, इन तीनों के उसमें हल्का सा परकेशन लें, फुल ड्रम ना लें, इसके साथ कोई गाना बनाइए, फिर एक पूरा तबला ढोलक लेके और परकेशन लेके, बेस गिटार पियानो और इस तरह के एक दो सैक्सोफोन वगैरह लेके, कुछ इस तरह का डिफरेंट एक इंतजाज बनाइए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का, और आपकी वोकल्स उसके साथ मैच कीजिए और उसको शूट कीजिए, शूटिंग बहुत ज़रूरी है, शूट कीजिए फिर आप लेकर आइए मार्केट में, तो देर सवेर से ही बारिश का पहला कतरा गिरेगा, दूसरा कतरा गिरेगा, फिर खुल के बारिश भी ज़रूर होगी। तो आपकी इसी एडवाइस से मुझे एक सॉन्ग रिकॉल हुआ है, भी आजकल बड़ा चल रहा है वो, इनसे क्या ख्याल है, सुन लेते हैं। कव्वाली स्टाइल का। हाँ कव्वाली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कोई रक्षा बक्षे इधर चल रहे हैं आजकल, लेकिन आप रक्षे नहीं, आप रश्के, वेरी गुड। मेरे रश्के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, वो बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में घोल कर हुस्न की मस्ती, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांद के साए में है मेरे साकिया, चांद के साए में है मेरे साकिया, तूने ऐसी मिलाई मजा आ गया, चांद के साए में है मेरे साकिया, तूने ऐसी मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बेहिजाब न वो सामने आ गया, बेहिजाब न वो सामने आ गया, और जवानी जवानी से टकरा गई, बेहिजाब न वो सामने आ गया, और जवानी जवानी से टकरा गई, चांद के साए में है मेरे साकिया, चांद के साए में है मेरे साकिया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया, ओ चांद के साए में है मेरे साकिया, चांद के साए में है मेरे साकिया, तूने ऐसी पिलाई।
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजागर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, चांद के साए में है मेरे साथिया, चांद के साए में है मेरे साथिया, मिलाई मजा गया, तुम्हें से मिलाई मजा गया, तुम्हें से मिलाई मजा गया, क्या पिला दिया आपने, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड, अच्छा बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। अच्छा, और आखिर में कोई मैसेज ऑडियंस को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप, क्या आप मुझसे एक मिनट नाराज हैं क्या? आप उधर ही देख रहे हैं। अच्छा मुझे आसिम, आप पहले तो ये बताइए, कोई ऐसी बात पे आपके दिल में कोई बातें कहना चाहते हैं जी? पहले तो दिल की बात कीजिए। एग्जैक्टली, दिल की बात ये है कि किसी चीज़ को भी करने के लिए जो है ना, बस आप अपनी मेहनत स्ट्रगल उसको नहीं छोड़ें, और जरूर कामयाब होंगे, कामयाब होंगे, लेकिन ये मत समझिए कि हाँ, थोड़ी सी मेहनत करके आप कहते हैं मेहनत के लिए, मेहनत करते रहें, कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अपने लिए फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बस फ्यूचर प्लान यही है कि मुझे मेरा जो शौक है, और मेरा ये बहुत जुनून की हद तक शौक है, और मुझे बहुत आगे जाना है, और ये सब ऊपर वाले की और आप लोगों की भाइयों की बेशक अल्लाह ताला की मदद से हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे सकें। अच्छा, और खुर्रम आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? यही कहूँगा कि कीप वॉचिंग और लाइव जैम सेशन। जब हमने ये शुरू किया था उस वक्त हमारे पास इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं था इसका, लेकिन आज हम जिस इमरान लेवल पर खड़े हुए हैं, और सब आपकी मेहनत है इसमें, कि जो है हमारी टीम की भी जो इस वक्त कैमरे के पीछे है, आप नहीं जानते इस वक्त कितने लोग हमारे साथ हैं, किसी दिन हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हमारी टीम है पूरी एक बाकायदा जो इस काम को हमारे साथ कर रहे हैं मिलके ये, और थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स कि आप इसको पसंद कर रहे हैं। मैं दुबई गया था, वहाँ पर भी लाइव जैम सेशन को इमरान बहुत लोगों ने पसंद किया, और बहुत सारी रिक्वेस्ट है जो अगले हम एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है? और बस यही कहना चाहूँगा, कीप वॉचिंग लाइव जैम सेशन। बिल्कुल सही कहा आपने खुर्रम। अच्छा, दूसरे ये कि मैं आपको सिर्फ एक ये बात कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास एक बड़ा ह्यूज कलेक्शन है सिंगर्स का, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं, और बुरे सिंगर्स तो मैं इसलिए नहीं कहता कि हर इंसान दिल से गाता है ना, वो कोई पता नहीं होता कि कोई सिंगर कब कहाँ जाके क्लिक कर जाए और वो ऑडियंस में हिट हो जाता है, तो कभी भी मैं सोचिए कि सिंगर बुरा गा रहा है, अच्छा गा रहा है, हमारा काम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंगर्स को जिनके अंदर या तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, गायकी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, या फिर उनके अंदर जुनून है गाने का, या कोई परफॉर्मेंस है, कोई ना कोई एक खास की उनकी क्वालिटी है जो उनके अंदर होती है, जो हम उनको यहाँ बुला के लेकर आते हैं। कुछ होता है सिंगर आपको अच्छे ना भी लगे, पसंद आए, तो उनकी कोई ना कोई, अगर वो परफॉर्मर है तो यहाँ बैठ के परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो जब स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं तो बहुत आउट क्लास करते हैं। तो आप सबको अप्रिशिएट करें, हमारा फेसबुक पे आप जाएंगे, लाइव जैम सेशन के नाम से पेज भी है, यूट्यूब पे भी आप लाइव जैम सेशन के नाम से सर्च करा सकते हैं, सैयद खुर्रम इम्तियाज से भी आप सर्च करा सकते हैं, ऐश इमरान साजन से भी आप सर्च करा सकते हैं, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी भी मिल रही हैं, आप इस पे सर्च करा सकते हैं। हमारी कैमरा टीम में जो बहुत सारे लोग हैं, एडिट जो करते हैं, अरमान अफान है, असमा है, अली हमारे साथ हैं, वो सब कैमरे के बैक पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू वेरी मच कि हमारे साथ हमारी टीम में इंशाल्लाह रहेंगे, काम करेंगे। और आखिर में क्या जिंदगी से कुछ शिकायत कर रहे हैं? आखिर में कुछ जिंदगी के बारे में। चलें, ओके, चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है, कभी गम को खुशी का रंग दिया, कभी हंसते हुए रुलाया, जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया।